सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म अंतिम को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म के रिलीज के बाद भी सलमान खान फिल्म को पूरी शिद्दत से प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में सलमान एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान मौजूद थे। कुछ खबरों में कहा जा रहा था कि सलमान इस फिल्म में नजर नहीं आएंगे, पर सलमान इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस बारे में सलमान ने फैंस के लिए कहा, फैंस के लिए ये कहना चाहूँगा कि भाई जब मैं बोलूँ ना कि मैं पिक्चर के अंदर हूँ तो इसका मतलब पिक्चर के अंदर हूँ। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे वो ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा गेस्ट अपीयरेंस होता, छोटा मोटा रोल होता, 8-10-15 मिनट का रोल होता, तो मैं आपको खुद बता देता कि ये 8-10-15 मिनट का रोल है। मैं तो वो भी नहीं करता, मैं सिर्फ आयुष की पिक्चर लगाता वहाँ पर, और फिर जब आप जाते हैं थिएटर के अंदर तो आपको पता चलता अरे ये भी है 15 मिनट के लिए। सो आई नो एक ये रूमर आया था बाहर के, अभी भी है कि सलमान इज़ वेरी लिटिल इन द फिल्म। अब वो फैलाने वाले हैं, ठीक है, उनका काम है, वो ठीक है, और उनको भी ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस पिक्चर से हम इंस्पायर्ड थे वो थी मुल्शी पैटर्न। उसके अंदर वो जो नन्या, जो हमारे पिक्चर में नन्या भाई है, उन्होंने वो पुलिस वाले का कैरेक्टर अदा किया था, तो उनके 4-6 सीन थे। तो वहाँ से ये बात निकली, मैं टाइगर की शूटिंग कर रहा था और फिर आयुष ने प्रमोशन शुरू कर दिया, तो सबको लगा कि आयुष है, मैं नहीं हूँ। और फिर जब तक मैं आया तो इट हैड ऑलरेडी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। सो बट नाउ पीपल आर वॉचिंग इट, दे रियलाइज दैट नॉट ओनली ऑन दैट थ्रू आउट द फिल्म, बट रिव्यूज ऑन मी, ऑन आयुष एंड महिमा, महेश मांजरेकर, एवरी वन इज ऑल पॉजिटिव, एवरी वन लव्ड द फिल्म। तो जिन ने नहीं देखी है वो जाके पिक्चर देखो, आपको बड़ा मजा आएगा, अलग ही पिक्चर है। हाल ही में थिएटर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें फिल्म के दौरान पटाखे फोड़े गए, और साथ ही एक अन्य वीडियो में सलमान के अंतिम के पोस्टर में लोग दूध चढ़ाते नजर आए थे। इस बारे में उन्होंने कहा, I don't want it at all, I think it's a waste. अब वो दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था जहाँ पे थिएटर के अंदर आग लगी थी और लॉट ऑफ पीपल डाइड देयर। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी डेंजरस, इज वेरी डेंजरस थिंग टू बर्स्ट क्रैकर्स। आई कैन अंडरस्टैंड द इंटेंशन, आई कैन अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट के देयर फेवरेट हीरो भाईजान भाई, यू नो ही इज़ कमिंग थिएटर्स आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट देर आर अदर वेज टू सेलिब्रेट, यू नो। एक तो ये था कि चिल्लर फेंक रहे, नोट फेंक रहे, जब वहाँ तक कि ठीक था कि जब वो सफाई होती है तो जो वहाँ पे काम करते हैं स्कैल्पर्स वगैरह जो अशर्स हैं उनको वो पैसे मिल जाते हैं, तो इट इज़ फाइन। लेकिन पटाखे फोड़ना, एंड यू सॉ दैट, मतलब आई वाज स्कैर्ड, As soon as I saw it, I posted कि ये गलत बात है। आई मीन थैंक यू फॉर द रिस्पेक्ट, बट इसके अंदर यू नो आग वाग लग गई, यू नो, तो देर इज़ नो चांस ऑफ सर्वाइवल, देर इज नो चांस ऑफ एस्केप, नो चांस ऑफ एस्केप। और क्या यू गोइंग टू हैव फन एंड देन यू सडनली यू कम आउट विद 80%, 90% बर्न्स, एंड यू नो दैट इज नॉट ओके। नॉट ओनली यू, जो दूसरे लोग भी हैं वहाँ पर, बिकॉज ऑफ यू, यू नो सम अदर पीपल वुड, यू नो, वुड लूज देयर लाइफ, सो दैट इज़ नॉट ओके। एंड ये दूध वगैरह यार, और आप पोस्टर के ऊपर दूध पिला रहे हो, सो आई जस्ट थिंक अगर पिलाना है बहुत अच्छी बात है पैसे, और दूध वेस्ट करना है तो ये दिस इज़ वेस्टिंग। फिर जाके यू नो कोई संस्था के अंदर बच्चों को, यू नो, गरीबों को, यू नो, वहाँ पर जाके दूध पिलाओ, आई वुड अप्रिशिएट दैट देन यू नो पुटिंग मिल्क ऑन ए पोस्टर, दैट इज़ नॉट, मुझे समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें। आई कैन अंडरस्टैंड द इंटेंशन वगैरह, और लेकिन आई डोंट, इस वेस्टेज है,
और जब पता है कि लोग हैं जो कि भूखे मर रहे हैं यू नो, और आप ये वेस्टेज कर रहे हो, तो वो मुझे नहीं नहीं भाता मुझे ये। पिक्चर जाओ देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो और इन्जॉय करो पिक्चर, बट वो सेफ रहो, सेफ रहो। अब वो अभी महाराष्ट्र के अंदर 50% है, बाहर खुल चुका है, सो आपको यू हैव टू बी यू नो इवन प्रिकॉशंस आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि थिएटर से अगर ये वापस से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो ये वापस से बंद हो गया, ओके हमारा काम बंद, आपका एंटरटेनमेंट बंद, तो वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड डांस करो, एंजॉय करो, यू नो हैव फन। फिल्म थिएटर में हाउसफुल जा रही है, इस बारे में दबंग खान का कहना है, अच्छी फील है ना, आई थिंक फर्स्ट टाइम हाउसफुल का बोर्ड लगा था वांटेड में लगा था, और वांटेड से लगातार लगते आ रहा है, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है हाउसफुल का बोर्ड लगना, बहुत अच्छी बात है कि हम गए टिकट लेने यार हाउसफुल था, तो ये अच्छी बात है हाउसफुल का बोर्ड लगना, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे टाइम पर भी हाउसफुल का बोर्ड लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर फुल कैपेसिटी होती तो, और उसके बावजूद हाउसफुल का बोर्ड लगता, तो इसमें तो और भी अच्छा लगता। अब ये 50% कैपेसिटी है, तो इसके अंदर हाउसफुल का बोर्ड लगना थोड़ा सा ईजी है इस वक्त आई थिंक। सलमान खान के अलावा फिल्म में आयुष शर्मा और महिमा मकवाना अहम हिस्सा हैं। INS रिपोर्ट।